लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी को कुत्ते से कंपेयर करना, जो एक इंडियन होने के नाते जब जब मैं सुनता हूँ हर एक बार मुझे चुभता है। जितने भी राष्ट्रवादी हिंदू हैं सबको ये सुनना चाहिए कि बात सुन के और भी मैं भावुक हो गया हूँ। ऐसे कितने नाम हैं जो हम लोग जानते ही नहीं, ये हम सबको जान लेना चाहिए। वीडियो अगर इतना सा भी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक ऐसे वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जो एक इंडियन होने के नाते जब जब मैं सुनता हूँ हर एक बार मुझे चुभता है। कांग्रेस के हर एक नेता हर एक मंच से ये कहता है कि सभी स्वतंत्र सेनानी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ा था वो सारे कांग्रेस से आते हैं। हर बार हर एक कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए कहते हैं, खासकर बीजेपी को, कि तुम्हारे कितने नेता शहीद हुए हैं। ये बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये बात भारत की है, क्योंकि बीजेपी तब कोई पार्टी थी ही नहीं। ये बात हम सभी को समझना चाहिए। पहले भी बहुत बार राहुल गांधी की मुंह से ये सुना गया है कि सारे स्वतंत्र सेनानी कांग्रेस के थे। कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी सेम वैसे ही बात की थी कि तुम्हारे कितने नेता शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात सुन लेते हैं। जान दी हमारे पार्टी के नेताओं ने, जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? मतलब एक बात आप नोटिस कीजिए कि जो भी स्वतंत्र सेनानी थे बीजेपी के थे कांग्रेस के थे वो बात नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी को कुत्ते से कंपेयर करना, ये कहाँ तक जायज लगता है? आप अपना विचार कमेंट के द्वारा रखें। चलिए, क्या कोई तो कुर्बानी दी है? आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे जी का टोन कैसा था? आज़ादी में सारा कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। एक बात हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, आज़ादी के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनको कॉन्स्पिरेसी करके हटाया गया कांग्रेस से, उसके बाद भारत से। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, मतलब जितने भी सारे स्वतंत्रता सेनानी थे सबको कहा गया था कि एक्सट्रीमिस्ट है, इन लोगों का जीने का कोई हक नहीं बनता। And they were being told that they must be committed to mental asylums for hoping to achieve independence. This was the language of all the leading stalwarts of the Congress. Shri M.K. Gandhi's political mentor used the word lunatic for people who were asking for Purna Swaraj. This was his language for Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Sri Aurobindo. These were people who were called the extremists within the Congress. So the divide was between moderates and extremists and the nationalists versus liberals. That was the language used. The liberals wanted to be part of the empire. The nationalists wanted to be free of the empire. Go figure. This is the origin of liberalism in this country. And it continues to be so because it continues to serve the interests of New York Times and Washington Post. उसके बाद भी हम लोग गांधी जी को देश के राष्ट्रपिता मानते हैं। असल में राष्ट्रपिता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे देश में। ये सब जब एक आम आदमी की नाते जब सुनता हूँ सीना चीर जाता है मेरा। आप लोगों को कोई फीलिंग्स होता भी या नहीं पता। एक स्वतंत्रता सेनानी को कुत्ते के साथ कंपेयर करना कहाँ तक जायज लगता है? जो भी हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, मेरा अगर बस चलता तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसी बात को काउंटर करते हुए बीजेपी के ओपी धनखड़ जी ने बड़े ही अच्छे तरह से उसका जवाब दिया है। ये सबको, मतलब जितने भी राष्ट्रवादी हिंदू है, खासकर हिंदू, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, जितने भी राष्ट्रवादी हिंदू हैं सबको ये सुनना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि किसके पीछे खड़ा होना चाहेंगे। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि क्या आपके यहां कोई शहीद हुआ है? एक शब्द भी कहा। मैं आप पूछना चाहता हूं या मीडिया के लोग होंगे कि आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई?
कि आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को काले पाने की सजा हुई क्यों नहीं हुई, ये देश पूछना चाहता है। ये देश पूछना चाहता है चंद्रशेखर आजाद नेहरू के घर से निकले और थोड़ी देर बाद घेर लिए गए और मार दिए गए। ये देश पूछना चाहता है कि कौन सा ऐसा कारण था कि नेहरू के घर से निकलते ही चंद्रशेखर आजाद गोलियों से बोल दिए गए। एल्फ्रेड मार्क ये देश पूछना चाहे बलिदान हुए उस समय इस कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उनकी अपनी कांग्रेस थी। कांग्रेस का इस देश की लड़ाई में वो योगदान नहीं है। 327,000 लोग इस देश के लिए बलिदान हुए, 1,350 लोगों को गोलियों से बुना, फांसी की सजा दी गई, टॉप से उड़ाया, कोर्ट से सजा दी थी। कहां थे इनमें कांग्रेसी? क्या राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेसी थे? शाहुल्ला कांग्रेसी थे? ठाकुर रोशन सिंह कांग्रेसी थे? सुखदेव राजगुरु कांग्रेसी थे? इस देश का नौजवान हर देश में निकला था। भाई मतीदास कांग्रेसी थे? सतीदास कांग्रेसी थे? परमानंद जी उनके वंश में थे, जनसंघ में थे, क्या कांग्रेसी थे? भाई महावीर हमारे गवर्नर रहे, क्या वो कांग्रेसी थे? इसी वंश के थे वो। इस देश ने बलिदान दिया था, इस देश के नौजवानों ने बलिदान दिया था। कांग्रेसियों, तुमने तो उनके इतिहास को छुपाने का कहां पाप किया, तुमने आजादी फौज की लड़ाई को छुपाने का काम किया, 26,000 बलिदानियों को छुपाने का काम किया। तुमने जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था और परे काला पानी पर जहां पिछली बार 129 लोग मेरे साथ जाकर नमन करके आए थे, उसको डिसेरिमोनियल करने का पाप तुम कांग्रेसियों ने किया था। वह झंडा फहरा तो भैरव सिंह शेखा और अटल जी के राज में फहरा के आए थे और बाद में मोदी जी ने इतना ऊंचा फहरा दिया कि अब कांग्रेसियों से उतर नहीं सकता। तुमने तो ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी खड़गे जी, तुमने ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर चल जाओ। बाकी एयरपोर्टों के तो तुम नाम भी नहीं रखते थे। कलकत्ते वाला डमडम एयरपोर्ट, मुंबई वाला शांताकुर्ज एयरपोर्ट, अरे डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया, अटल बिहारी वाजपेयी, शांताकुर्ज का छत्रपति शिवाजी किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, चंडीगढ़ का अमीर सरदार भगत सिंह किया, शहीद भगत सिंह किया, हमने हमारी सरकार, रायपुर का विवेकानंद किया, हमने किया, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले गुवाहाटी का नाम किया तो हम। ओपी धनखड़ जी की बात सुन के और भी मैं भावुक हो गया हूँ। ऐसे कितने नाम हैं जो हम लोग जानते ही नहीं, जो देश के आजादी में बलिदान दिए हैं। 18 साल से भी कम उम्र का नौजवान, खुदीराम बोस को फांसी मिला था इसीलिए उसका नाम सब जानते हैं। ऐसे कितने सारे, बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम हम लोग जानते ही नहीं है। तो आजादी सिर्फ गांधी परिवार या कांग्रेसियों के वजह से हमको नहीं मिला है, ये हम सबको जान लेना चाहिए। और जब जब ऐसी बातें करता है उसका तुरंत प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपनी बात को कमेंट के द्वारा रखें। वीडियो अगर इतना सा भी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।